नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सोमवार देर रात शाम 7 बजे लगभग सतपारा हॉट बाजार से सराफा का व्यापार पर लौट रहे नटेरन निवासी यशपाल पुत्र प्रेम नारायण सूरी और उसके एक साथी को कार से वापस लौटते समय 3 मोटरसाइकिल सवार 5 से 6 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर। प्रारंभिक तौर पर व्यापारी के पास मौजूदा सोने चांदी के जेवरों की लूट करने का भी मामला सामने आया है। दूसरी ओर गंभीर रूप से घायल यशपाल सोनी को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने देर रात उसे मृत घोषित कर दिया। इसके अन्य सभी साथी घायल अवस्था में भोपाल रेफर किए गए हैं। आज सुबह मृतक का पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। ये जो घटना हुई है भाई यशपाल सोनी के साथ बड़ी लोहामर्शक है और पूरा समाज और पूरा सराफा व्यापारी इससे उत्तेजित है। आज हमारे सराफा व्यवसायी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बार बार ये घटनाएं हो रही हैं। इसके पहले भी हम पुलिस के साथ सेमिनार कर चुके हैं, चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस ने हमसे ये कहा था कि हाट बाजार में जो भी सराफे व्यवसायी जाएंगे उनकी जान माल की सुरक्षा की जाएगी, विशेष तौर पे गार्ड लगाए जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद भी ऐसा लगता है कि सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने इसकी ओर कोई तवज्जो नहीं दी। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और पुलिस वालों की इसमें बहुत बड़ी गलती है कि मौके पे वो पहुंच नहीं पाए। नटेरन से पब्लिक पहुंच गई, उसका भाई पहुंच गया, लेकिन वो पुलिस वाले नहीं पहुंच पाए। तो चौकी होने का मतलब नहीं है। इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं और हम एसपी साहब से बात भी करेंगे कि इस तरीके की अगर घटनाएं ऐसी होंगी और सुरक्षा नहीं होगी तो इस पर हम लोग ज़बरदस्त एक्शन लेंगे। क्या पुलिस कार्रवाई है, कैसा रहा? एसपी साहब साथ हैं, पुलिस साथ है, लेकिन मौके पे जो सतपाड़ा चौकी है वो जो वहाँ पर जो पुलिस है वो उसने बिल्कुल साथ नहीं दिया, समय पे नहीं पहुँची और उस तरफ से हम बहुत दुखी हैं और हम एसपी साहब से बात भी करेंगे, वो एक्शन भी लेंगे। मेरी कल भी बात हुई थी, मिट्टी को गोली लगी थी यशपाल सोनी नाम से। यशपाल सोनी प्रेम नारायण के रहने वाले हैं, सतपाड़ा हाट में गए थे अपने जो व्यवसाय के हिसाब से, तो उनको गोली लगी है। वो कल दिनांक को ही जिला अस्पताल विदिशा आए थे, जो उनको डॉक्टर साहब ने मृत घोषित किया था। जो आज दिनांक को मेरे द्वारा पंचनामा कार्रवाई पीएम कार्रवाई की जा रही है। उन्हें बाएं तरफ कंधे के पास में गोली लगी है। विजय रघुवंशी विद्रोही की रिपोर्ट।